एजुकेशनल थॉट्स के बारे में हम लोगों को देखना है। जो सोशल थिंकर्स थे उनके तीन डिफरेंट सोशल थिंकर्स के एजुकेशनल थॉट्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्वामी विवेकानंद। सो इन टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू कवर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। इन सभी विचारकों, सामाजिक विचारधारकों के एजुकेशन के लिए क्या जो थॉट्स थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू। अभी आ रही है आवाज संजय जी? प्लीज कंफर्म, अभी आ रही है? मैं धीरे बोल भी रही थी तभी। अभी आ रही है आवाज? संजय जी प्लीज कंफर्म इफ यू आर हियर। ओके थैंक यू। सो तीन सामाजिक विचारधारकों के बारे में हम लोग देखेंगे, उनमें स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी। उन्होंने एजुकेशन को लेकर के क्या थॉट्स दिए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनके हिसाब से कैसा एजुकेशन होना चाहिए, कैसी करिकुलम होनी चाहिए, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए और रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग एक चर्चा करेंगे और उसमें आज पहला पार्ट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो तीन थिंकर्स के बारे में, वो हैं स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एंड महात्मा गांधी जी। तो हो सकता है थोड़ा लंबा समय लगे पर आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ स्वामी विवेकानंद जी। ओके, तो लाइफ हिस्ट्री तो आप लोग जानते ही होंगे। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था एंड ही वॉज बॉर्न इन एन अफ्लुएंट फैमिली इन कोलकाता। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। ही अक्वायर्ड द न्यू नेम इन 1886 व्हेन ही टुक संन्यास। तो जब 1886 में उन्होंने संन्यास लिया तो उनको एक नया नाम मिला, स्वामी विवेकानंद। ओके, उनके फादर लॉयर थे कलकत्ता हाईकोर्ट में और बचपन में उन्हें म्यूजिक और स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था। ही ग्रेजुएटेड विथ ऑनर्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, ग्रेजुएट किया। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। तो कॉलेज के दिनों से उन्हें फिलॉसफी और रिलीजन के लिए खासा लगाव था। बचपन में उनको खास लगाव था म्यूजिक और स्पोर्ट्स के लिए, तो इसीलिए इनके करिकुलम में हम लोग ये भी देखेंगे कि गुड इवनिंग पल्लवी जी। ओके, सो इनके जो इन्होंने जो एजुकेशन को लेकर के थॉट्स दिए थे तो इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि स्पोर्ट्स को जरूर से शामिल किया जाना चाहिए करिकुलम में, क्योंकि उनको खुद ही बचपन में स्पोर्ट्स से लगाव था, म्यूजिक से लगाव था। स्वामी जी'स फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सेंट रामकृष्ण वॉज हेल्ड एट दक्षिणेश्वर। तो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो एजुकेशनल थॉट दिया था उसमें विमेन एजुकेशन की बात भी कही थी, तो उसे आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो संत रामकृष्ण थे और उन्हें उनसे पहली बार उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, तो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में, और वो माता काली के उपासक थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, कोरिलेट याद करने के लिए रख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने विमेन के एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी बातें कही थी अपने एजुकेशनल थॉट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एजुकेशनल थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ समरी ऑफ हिज लाइफ। तो स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, उनका कहना ही है कि ऑल द पावर इज विद इन यू। उनका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहता है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके अंदर में हैं, एज ए स्टूडेंट, एज अ कोई भी इंसान हो, वो सभी शक्तियां आपके अंदर में हैं। यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक। उन्होंने कहा ना, उठो, जागो, आगे बढ़ो। तो उनका ये कहना है कि जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, वो आपके अंदर है, निहित है, ठीक है। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने आप को कमजोर ना समझें, खड़े हों
और एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू, वो दैविक ताकत आपके अंदर है और उसे आप एक्सप्रेस कीजिए, उसे पहचानिए। तो उनका जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि आपके अंदर सभी ज्ञान है, टीचर उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं, अवेक कर सकते हैं, जगा सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ओके, दूसरी जो फिलॉसफी, तो ये इनका स्टेटमेंट, उनका एक कथन था, तो उस कथन से हम चार चीज़ें निकाल सकते हैं कि ऑल नॉलेज इज विद इन ह्यूमन माइंड, जो भी नॉलेज है वो हमारे माइंड के अंदर है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन माइंड। एजुकेशन केवल क्या करता है, उस जो भी पावर है उसको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, फिर नॉलेज इज इनहेरेंट इन मैन, नॉलेज आपके अंदर आ चुका है, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं तो वो एजुकेशन के थ्रू होगा। ओके, लाइक फायर इज अ पीस ऑफ फ्लिंट, नॉलेज एग्जिस्ट इन माइंड, मैन नीड टू डिस्कवर इट। जैसे फायर जो है वो एक फ्लिंट का पीस है, फ्लिंट के पीस से फायर लग सकता है, उसी तरह नॉलेज जो है हमारे माइंड में है, हमें बस उसे डिस्कवर करने की जरूरत है। तो उनकी ये फिलॉसफी थी एजुकेशन के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ, अब हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद टू एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में अपने विचारों से क्या कंट्रीब्यूट किया। ही लेड, पहली बात, ही लेड स्ट्रेस ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट एजुकेशन, उन्होंने कहा कि ऐसा एजुकेशन हो जो किसी इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करें। देन ही सेड ही एडवोकेटेड द एजुकेशन ऑफ द मासेस which implies adult education and free and compulsory education regardless of caste, creed and color. तो इससे पहले जब आप history of education वगैरह में देखते हैं तो उस समय British rule था और British education जो था वो किस तरह का education का बात कर रहा था, downward filtration theory, मतलब केवल elite class को पढ़ाया जाए और वो drop wise जो है वो mass तक पहुँचे। पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि नहीं, education जो होना चाहिए वो masses के लिए होना चाहिए, मतलब एक बड़ा तबका जो समाज का है वो एजुकेटेड होना चाहिए, और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टिंग्विशन नहीं हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो कास्ट को लेकर के, क्रीड को लेकर के, कलर को लेकर के। और एक अगर राष्ट्र है तो वो राष्ट्र का सिन है अगर वो अपने मासेस को नेग्लेक्ट करता है। अगर कोई राष्ट्र है और अगर वो अपने मास को क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट करते हैं, एक बड़ा पॉपुलेशन अगर किसी देश का नेग्लेक्टेड है तो वो समझ जाइए कि वो उस पर्टिकुलर राष्ट्र का एक महान सिन, पाप कह सकते हैं। ही रिसीव द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म इन एजुकेशन, उन्होंने कहा कि एजुकेशन के थ्रू हमें मानवता सिखानी है। ठीक है, चौथी बात जो उन्होंने कही, ही कंसिडर्ड द एजुकेशन ऑफ वुमेन एज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल रीजनरेशन, अगर किसी राष्ट्र का रीजनरेशन करवाना है, पुनरुत्थान करवाना है, तो उसमें विमेन का एजुकेशन जो है वो बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगा। देन ही सेड ही स्ट्रेस द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न लर्निंग, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी फिलॉसफी दी है तो उसमें तीनों का अमलगम है, आइडियलिज्म भी है, प्रैग्मेटिज्म भी है, नेचुरलिज्म भी है। तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न लर्निंग को सीखना चाहिए, क्योंकि तभी तक वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी एजुकेशन के फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, तो उस तरह की वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लर्निंग को भी इंक्लूड किया जाए। अब हम देखेंगे एम्स क्या कहा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जो एजुकेशन को लेकर के थॉट्स थे तो उनका एम्स क्या था। उनका एम था कि डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन सोशल सेटिंग, ऐसा एजुकेशन हो जब कोई सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट हो। देन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर विच इम्प्लाइज डूइंग गुड टू अदर्स, करेज, फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ, एंड अबव ऑल स्ट्रॉन्ग विल पावर फॉर अ नोबल कॉज। उन्होंने कहा कि अगर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर हो, और डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ऐसा हो जो कि दूसरों के लिए अच्छा करे, अगर कोई एजुकेशन के थ्रू आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है और आप अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, निडर बन रहे हैं, सही के लिए खड़े हो रहे हैं, गलत के लिए अगर अपोज कर रहे हैं, ताकत आ रही है उससे, तो एंड ऑल दिस फॉर अ नोबल कॉज। ओके,
डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप. उन्होंने कहा कि एजुकेशन के थ्रू एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जिसमें काम ही कर्म ही पूजा है. देन डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ सर्विस टू पुअर एंड द नेग्लेक्टेड. बहुत बार विवेकानंद जी ने ये बात कही कि पुअर और नेग्लेक्टेड यानी कि बड़ा तबका जो है किसी भी देश का एक उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए. एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ रिनंशिएशन. ओके, त्याग, त्याग की, सेल्फ सैक्रिफाइस की भावना उत्पन्न हो. तो अगर एजुकेशन से ये सभी चीज़ें एम्स फुलफिल किया जाता है तो वो स्वामी विवेकानंद जी के एजुकेशन के थ्रू ये सब एम्स फुलफिल किया जा सकता है. टीचर के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा. उन्होंने कहा कि टीचर शुड बी सिनलेस. ओके, कहने का मतलब है कि टीचर ऐसे हों जो जिनका कैरेक्टर एकदम नोबल हो, सिनलेस हो, स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स वेदों के ज्ञाता हों. ओके, लव फॉर द स्टूडेंट्स. टीचर्स जो हों वो बच्चों को प्यार करें. देन हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो. उन्हें बस ये नहीं बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें हेल्प करें, एक लैडर प्रोवाइड करें जिससे चाइल्ड बच्चे जो हैं वो ग्रो कर सकें. देन ही इज द एक्सटर्नल टीचर एंड ही ऑफर्स द सजेशन विच अरोजेस द इंटरनल टीचर दैट इज द माइंड इन द चाइल्ड. ज्ञान सभी कुछ सभी के पास है पर वो ज्ञान आप एक्सटर्नल टीचर डूज और डोंट्स लगा करके उसको बच्चे को आगे पढ़ाने से बेहतर है उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें वो खुद फ्लरिश कर सके. ओके, तो टीचर के लिए उन्होंने ये रोल निर्धारित किया. स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए. विवेकानंद जी ने कहा वॉज नॉट इन फेवर ऑफ प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन दैट इन द कंट्री as the education in India was influenced by the British system of education. Curriculum के लिए उस समय जो British system of education चल रहा था उस curriculum से वो satisfied नहीं थे. उन्होंने कहा कि curriculum should synthesize the knowledge and wisdom of the East and West. Curriculum ऐसा होना चाहिए जिससे कि education का या knowledge का synthesis हो. Okay? जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टॉप मोस्ट लेवल पे क्या आता है, अब सिंथेसिस आता है. तो एजुकेशन ऐसा हो, करिकुलम ऐसा हो जिससे नॉलेज की सिंथेसिस हो और वो एक अमलगम हो, मिक्सचर हो ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट नॉलेज. ओके, एंड स्वामी जी ऑल्सो अटैच्ड द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल डेवलपमेंट. मैंने कही ना क्योंकि उनको बचपन में खेल और म्यूजिक से बहुत लगाव था तो उन्होंने यहाँ पर भी ये बात कही कि करिकुलम में इम्पॉर्टेंस, इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाना चाहिए फिजिकल डेवलपमेंट को. एंड फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हो सकता है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जब होगा, खेल या ये जो फिजिकल एजुकेशन है वो बहुत सारे क्वालिटीज़ को अपने आप डेवलप कर देता है. जैसे अभी मैं ओलंपिक की बात करूँ तो टोक्यो में जो ओलंपिक हो रही है अभी बहुत रिसेंट एक आई है, आई थिंक एक दो दिन पहले, लॉन्ग जंप या हाँ लॉन्ग जंप की बात है ना. सो दो आई थिंक फ्रॉम इटली एंड कतर टू एथलीट्स एंड दे बोथ हैड द सेम 2.73 मीटर. तो दोनों को तीन तीन बार और मौका दिया गया क्योंकि गोल्ड तो किसी एक को ही मिल सकता है ना. तो तीनों बार दोनों ने सेम ही लेंथ को कवर किया, सेम ही डिस्टेंस को कवर किया. फिर लास्ट में क्या हुआ कि कतर वाले जो खिलाड़ी थे उन्होंने उनके पैर में शायद इंजरी आ गई या इंजरी आने की वजह से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया. तो जो इटली वाले थे खिलाड़ी, उनकी महानता देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भी अगर विड्रॉ कर लूं और क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों को गोल्ड शेयर कर दिया जाए, गोल्ड मेडल हम दोनों को शेयर किया जाए. तो थोड़ा सा टाइम लिया गया और फिर ये आया न्यूज़ में कि दोनों कंट्रीज ने गोल्ड को शेयर किया. तो ऐसी भाईचारे की बात कहाँ से आ सकती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ से आ सकती है, तो खेल के थ्रू आ सकती है. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया कि फिजिकल डेवलपमेंट हो और फिजिकल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब फिजिकल एजुकेशन जो है वो करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट हो. डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने क्या कहा. डिसिप्लिन के बारे में जो तीनों थॉट्स आज हम लोग देखेंगे वो लगभग सेम कह रहे हैं कि हम बाहर से इम्पोज ना करें डिसिप्लिन को,
हम ऐसा पढ़ाएं, हमारा करिकुलम ऐसा हो जो डिसिप्लिन को अंदर से ही इनकलकेट करे. ओके, सो द एक्सटर्नल टीचर ऑफर्स सजेशन, हम लोग सजेशन दें एज अ टीचर बच्चों को, एंड द इंटरनल टीचर स्टार्ट्स वर्किंग. पर बच्चे के अंदर जो उनका अपना माइंड, अपना स्पिरिट, अपना सोल है, वो उनको गाइड करता है कि करना क्या है. सो इफ़ यू डोंट अलाउ अ चाइल्ड टू बिकम अ लायन, ही विल बिकम अ फॉक्स. उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को शेर नहीं बनने देते हैं तो वो बच्चा क्या बनेगा, लोमड़ी बनेगा. तो डूज एंड डोंट्स के बीच में उस बच्चे को बांध करके नहीं रखा जाए, उस बच्चे को एक फ्रीडम दिया जाए जहाँ पर वो गलतियाँ करे और सीखे, और गलतियाँ करे और सीखे पर फिर भी एक हम एक राइट एनवायरनमेंट सेटअप करें. ओके, जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल डिसिप्लिन को डेवलप कर सकें. सो इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग और हैविंग द एक्सटर्नल डिसिप्लिन, वी शुड गो फॉर इंटरनल डिसिप्लिन. ओके, वी शुड ट्रेन देम सो दैट द इंटरनल डिसिप्लिन शुड डेवलप. फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन के बगैर सेल्फ रियलाइजेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है. बहुत ही सही साबित होती है आजकल के ज़माने में कि अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो बच्चों के अंदर वो टीम स्पिरिट नहीं आती है, वो रियलाइजेशन नहीं होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता है. ठीक है, एंड टू अटेन कंप्लीट एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप बोथ द माइंड एंड द बॉडी. अगर आप डेवलपमेंट कहते हैं तो डेवलपमेंट का दोनों डोमेन है, एक है फिजिकल और एक है इंटेलेक्चुअल. तो ये फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपने, अगर आप केवल पढ़ा रहे हैं, मगिंग अप ऑफ दी और रटिफिकेशन रोटिफिकेशन किया जा रहा है, तो बच्चे का केवल माइंड डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द फिजिकल डोमेन. तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कंप्लीट डेवलपमेंट की जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल की. इन पर्टिकुलर विवेकानंद स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन करिकुलम. उन्होंने बहुत स्ट्रेस दे करके कहा कि करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए. यू विल अंडरस्टैंड गीता बेटर बाय योर बाइसेप्स, योर मसल्स अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. उन्होंने कहा कि गीता के जो उपदेश हैं वो आप समझ सकते हैं जब आप कर्म करते हैं. तो गीता में कहा गया है, तो जब तक आपका बाइसेप्स का मसल, बाइसेप्स इट मीन्स द मसल्स ऑफ योर हैंड, अगर स्ट्रांग नहीं बनता है, फिजिकल एजुकेशन नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द गीता बेटर, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड द उपनिषद. उपनिषद में कहा गया है ना, ग्लोरी ऑफ द आत्मन. व्हेन योर बॉडी स्टैंड्स फॉर्म ऑन योर फीट एंड यू फील योर सेल्फ एज अ मैन. क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बॉडी का फुल ग्रोथ होगा, फुल डेवलपमेंट होगा, तब आप प्राउडली कह सकते हैं एक बच्चे का संपूर्ण विकास हुआ. मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने कही, तो तीनों जो थिंकर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं उन तीनों का सेम विचार है. मैं कंपैरेटिवली जा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे. विवेकानंद जी ने भी कहा कि एजुकेशन जो हो वो मदर टंग में हो. रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी कहना है कि एजुकेशन जो हो वो मदर टंग में हो. और महात्मा गांधी जी का भी यही कहना है कि एजुकेशन जो हो वो मदर टंग में हो. लाइक गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद ऑल्सो एम्फसाइज एजुकेशन थ्रू द मदर टंग. Besides mother tongue, there should be a common language which is necessary to keep the country united. हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि हिंदी हमारी भाषा होते हुए भी ये पूरे देश को नहीं जोड़ पा रही है. तो उन्होंने कहा कि मदर टंग में पढ़ाई हो, उसके साथ साथ एक ऐसी लैंग्वेज की भी पढ़ाई हो जो पूरे देश को यूनाइटेड रखे, कंट्री को यूनाइटेड रखे. विवेकानंद appreciated the greatness of Sanskrit. And that it is the source of all Indian languages. उन्होंने importance दिया, appreciate किया संस्कृत को, और कहा कि संस्कृत ही जो है वो source of all Indian language है. हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं वो सब की जन्मदात्री भाषा कौन है, तो वो संस्कृत है. Inherited knowledge. It is like a storehouse of ancient heritage. क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही आपके सारे वेद, उपनिषद, पुराण हैं. तो वो कहा जा सकता है कि ये एक स्टोर हाउस है आपके एंशियंट हेरिटेज का. सो टू डेवलप आवर सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी दैट मेन एंड वेमेन शुड नो दिस लैंग्वेज. इसीलिए उन्होंने कहा कि सोसाइटी में इक्वली पुरुष और महिलाएं इस लैंग्वेज को जानें, और इसके साथ साथ उनकी मदर टंग जो है
उसे वो पढ़ें। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि संस्कृत की भाषा के को जानना चाहिए ताकि हम अपने एंशियंट हेरिटेज को पढ़ सकें। ओके, मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की क्या सोच थी, उन्होंने कहा कि विवेकानंद सेड रिलीजन इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ एजुकेशन, आई डू नॉट मीन माई ओन और एनी वन एल्स ओपिनियन अबाउट रिलीजन। ओके, बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने समझाया कि रिलीजन अगर चावल है तो बाकी सब चीज जो है वो करीज है, राइस एंड करी। इफ रिलीजन इज द राइस एंड एवरीथिंग एल्स इज करी, सो वी कैनॉट टेक ओनली राइस, वी कैनॉट टेक ओनली करीज, वी नीड टू मिक्स इट अप। तो जो भी रिलीजन है उससे निकलता हुआ चीज क्या है, आपका स्पिरिट है। सो रिलीजियस एजुकेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ साउंड करिकुलम, कोई भी करिकुलम का रिलीजियस एजुकेशन जो है वो उसको एक साउंडनेस प्रोवाइड करता है, एक फॉर्मनेस प्रोवाइड करता है। और उन्होंने कहा कि गीता की पढ़ाई हो करिकुलम में एज रिलीजियस एजुकेशन में, उपनिषद एंड द वेदास आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम फॉर रिलीजियस एजुकेशन। अगर रिलीजियस एजुकेशन करना है तो उपनिषद का पढ़ाई किया जाए, पढ़ाया जाए, वेदों को पढ़ाया जाए, गीता को पढ़ाया जाए। फॉर हिम रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड डिविनाइजेशन। ओके, उनके लिए रिलीजन का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप अपने खुद को पहचान जाते हैं। ओके, और दैवत्व को प्राप्त करने लगते हैं तो मतलब आपका रिलीजन वो है। इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट बट ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टोटल मैन। आपका रिलीजन आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है। द ट्रू रिलीजन कैन नॉट बी लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। एक सही रिलीजन जो है और जो ज्ञाता है किसी धर्म के, वो एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पर बाउंडेड नहीं होंगे। He pleaded for the unity of world religion. जैसे अभी global education, globalization, global village की बात हो रही है, तो उन्होंने उसी समय में कह दिया कि एक ऐसा religion हो जो पूरे विश्व को बांध सके। Okay? He realized through truth while practicing of religion. And the truth is the power, untruth is the weakness. सच्चाई जो है वो आपकी ताकत है और जो झूठ है वो आपका आपकी कमजोरी है। नॉलेज इज द ट्रूथ एंड इग्नोरेंस इज द अनट्रूथ। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सच्चाई है, और आपने अगर इग्नोरेंस है किसी भी चीज को, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप सच्चे नहीं हैं। सो ट्रूथ इंक्रीजेस पावर, करेज एंड एनर्जी। तो नॉलेज आ गया तो ट्रूथ आ गया, ट्रूथ आ गया तो आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर करेज आएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। It is light giving, therefore necessary for the individual as well as collective welfare. तो इसीलिए religion की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि आपके पास ज्ञान आए, ज्ञान के साथ सच्चाई आएगी, सच्चाई के साथ आपका power बढ़ेगा, आपकी साहस बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और energy बढ़ेगी, energy का level बढ़ेगा। और उस सब चीज़ों का use आप कर सकते हैं collective welfare में, आपके समाज में जो भी welfare हो सकता है उसके लिए। Then to fight for goodness is the service to God. उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो आप भगवान की सेवा उसी में कर लेते हैं, किसी और विशेष पूजा की जरूरत नहीं होती है। The moral and religion education develop the self-confidence among the young men and women. तो religion के through आपका moral development होता है, और मॉरल डेवलपमेंट के थ्रू आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए किसी भी देश का जो यूथ है वो रिलीजियस हो, वो मॉरल से भरा हुआ हो, ताकि वो देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। ओके, नाउ एजुकेशन ऑफ मासेस। उन्होंने बहुत ही जोर डाला कि मासेस का एजुकेशन होना चाहिए। द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज नॉट अ फुल डेवलपमेंट ऑफ आर नेशन, सो ही नीड्स टू गिव एजुकेशन टू द सोसाइटी और टू द कॉमन पीपल। ओके, किसी एक इंसान का विकास करके आप पूरे देश का विकास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सोसाइटी का एक बड़ा तबका जो नेग्लेक्टेड रहता है
उसे शिक्षित किया जाए तो देश विकास कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऑफ मासेस होना चाहिए, एजुकेशन ऐसा हो जो मैन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करे। उन्होंने, उनकी फिलॉसफी कहती है कि एजुकेशन जो हो वो मैन मेकिंग में हेल्प करे। तो व्हाट इज दिस मैन मेकिंग? उन्होंने कहा कि हारमोनियस सिंथेसिस बिटवीन द एंशियंट इंडियन आइडियल्स एंड मॉडर्न वेस्टर्न बिलीव्स। तो एक इंसान जो हो वो एक अमलगम हो इस दोनों चीज का, वो अपने इंडियन एंशियंट इंडियन आइडियल्स को भी मेंटेन रखे और मॉडर्न जो वेस्टर्न बिलीव्स है उसे भी कायम रखे। तो हम कह सकते हैं सही मायनों में एक मैन मेकिंग एजुकेशन हो रहा है। ओके, मतलब आप विचारधाराएं समझ तो रखें सही चीजों की, पर अपने देश के भी एंशियंट आइडियल्स को ना भूलें। ही नॉट ओनली स्ट्रेस्ड ऑन द फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बट ऑल्सो ही एडवोकेटेड वुमेन एजुकेशन एज वेल एज द एजुकेशन ऑफ द मासेस। हम लोग कई बार देख चुके हैं कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऑफ द मासेस होना चाहिए, समाज का बड़ा तबका जो अशिक्षित रह जाता है, जो नेग्लेक्टेड रह जाता है, उनकी पढ़ाई हो, उन्हें पढ़ाया जाए, वुमेन का एजुकेशन हो। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज एजुकेशनल फिलॉसफी सेज इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिस्टिक व्यू में उनका क्या कहना था? ही एम्फसाइज दैट रियल एजुकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू नेचर एंड नेचुरल प्रोपेंसिटीज। एजुकेशन जो है, असली एजुकेशन जो है, तभी पॉसिबल है जब एक बच्चा नेचुरल सेटिंग में हो और रिलेट कर सके, जो चीजें वो पढ़ रहा है वो अपने आसपास में देख सके। आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने कहा, ही इंसिस्ट दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द चाइल्ड विथ मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। एक आइडियल चाइल्ड का डेवलपमेंट, इट मींस द चाइल्ड शुड बी मॉरली एंड स्पिरिचुअली बिल्ड विथ बोथ मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज। प्रैग्मेटिज्म के व्यू में उन्होंने कहा, ही एम्फसाइज द ग्रेट स्ट्रेस ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड साइंस टू अचीव द मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। तो देश को अगर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी गेन करना है तो विदेशों में जो शिक्षा चल रही है, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके कॉमर्स के बारे में, उनके इंडस्ट्री के बारे में, उन सभी का ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर अबव ऑल किसी भी इंसान का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की बात कर सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन की बात कही है उन्होंने। उन्होंने कहा कि सेल्फ एजुकेशन इज द सेल्फ नॉलेज, दैट इज आवर ओन सेल्फ इज द बेस्ट गाइड इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि सेल्फ एजुकेशन जो है वो सेल्फ नॉलेज है। आप अपने नॉलेज को अगर जानते हैं तो वो आपको एजुकेशन में हेल्प करता है। That is of our own self is the best guide in the struggle of our life. उन्होंने कहा कि अगर हम struggle कर रहे हैं life से, तो हमारा self, हम खुद जानते हैं कि हमने कितनी चीजों को सीखा है struggle करते हुए। So if we take one example, the childhood stage, the child will face a lot of problem. आपने किसी बच्चे को अपने आसपास देखा होगा, तो वो बच्चा कई सारी गलतियां करता है और उन सारी गलतियों को करके ही वो सीखता है, क्योंकि आप जितनी बार मना करेंगे किसी बच्चे को किसी काम को ना करने के लिए, वो उस काम को जरूर करता है। और अगर उसे चोट लगती है, देन ही रियलाइजेस एंड अंडरस्टैंड एंड देन ही लर्न्स अ लॉट थ्रू लर्निंग बाय डूइंग, वी कैन से द चाइल्ड विल लर्न बाय मच बाय हिज मिस्टेक्स, एरर्स एंड स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ आवर प्रोग्रेस। So strong will is the sign of great character, will make the men great. उनका ये कथन बहुत ही अच्छा है कि अगर आपका will power बहुत strong है तो आप बहुत great character बन सकते हैं, और वो इंसान बहुत, वो men जो होंगे वो बहुत great होंगे। Women education पे बहुत खासा ध्यान दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा कि he rightly pointed out that unless Indian women secure a respectable place in the country, the nation can never march forward. जब तक हम एक इस समाज की नारियों को, इंडियन समाज में नारियों को एक respectable place नहीं देते हैं, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। Okay? और the important feature of his scheme of female education are to make them strong. तो उनका, उनके लिए जो female education था,
उसका क्या उद्देश्य था, तो नारियों का को स्ट्रांग बनाना, फियरलेस बनाना, कॉन्शियस अबाउट देयर चैस्टिटी एंड डिग्निटी. ओके, अपनी डिग्निटी का, अपनी चैस्टिटी का, कॉन्शियसनेस का, फियरलेसनेस का, स्ट्रेंथ का ज्ञान और अवलोकन करवाना ही नारियों का एजुकेशन होगा. ही इंसिस्ट दैट व्हेन मेन एंड वुमेन आर इक्वली कॉम्पिटेंट नॉट ओनली इन द एकेडमिक मैटर्स बट ऑल्सो हैव इक्वल कंपेनियन इन द होम एंड फैमिली. गुड इवनिंग नवनीत जी. उन्होंने कहा कि मेन और वुमेन जो हैं वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, केवल एकेडमिक मैटर्स में नहीं बल्कि एक फैमिली के अंदर भी. विवेकानंद बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर कुड डिस्टिंग्विश द डिफरेंस इन द परसेप्शन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वेस्ट एंड इन इंडिया. क्योंकि विवेकानंद जी अपने सेमिनार्स को लेकर के, कॉन्फ्रेंस को लेकर के देश विदेश का भ्रमण करते थे. शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया था जीरो पर, शून्य पर, तो कई घंटे चला था, तो वो देखते थे इस चीज को कि वेस्टर्न कंट्रीज में वुमेन की क्या पोजीशन है और हमारे इंडिया में वुमेन की क्या पोजीशन है. और उसको देख करके वो डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि हमारा देश क्यों पीछे चल रहा है. द आइडियल वुमेन इन इंडिया इज द मदर. हम सभी मानते हैं कि हमारे लाइफ में आइडियल वुमेन कौन है, मदर है, एंड द मदर लास्ट. सो द वर्ड वुमेन कॉल्स अप टू द माइंड ऑफ द हिंदू मदरहुड एंड गॉड इज कॉल्ड मदर. वहां से ही कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, और वो किसके उपासक थे, तो माँ काली के उपासक थे. तो वर्ड वुमेन कॉल्स अप टू द माइंड ऑफ द हिंदू मदरहुड एंड गॉड इज कॉल्ड मदर. तो इसीलिए वुमेन एजुकेशन पे खासा जोर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने. नमस्कार सर, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी. एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी एजुकेशन की बात कही कि जहां स्कूल नहीं पहुंच सके वहां टीचर्स पहुंचे. उन्होंने कहा कि टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस ही चूज एजुकेशन एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर लाइफ प्रोसेस. तो जो बैकवर्ड क्लास हैं सोसाइटी के, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो एजुकेट करके. ओके, उन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड स्प्रेड टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री, टू फैक्ट्रीज, टू ग्राउंड्स, टू एग्रीकल्चर फील्ड्स. एजुकेशन केवल लिमिटेड ना हो स्कूल के चार दीवारी के अंदर. एजुकेशन जो है वो प्लेग्राउंड्स तक जाए, एग्रीकल्चर फील्ड्स तक जाए, इंडस्ट्रीज तक जाए. टू और थ्री एजुकेटेड मैन शुड टीम अप, कलेक्ट ऑल द पैराफ्रेनेडिया ऑफ एजुकेशन एंड शुड गो टू द विलेज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक लोग एक ग्रुप बनाएं और एजुकेशन के लिए जो आवश्यकता है उसे कलेक्ट करें और गांवों तक जाएं और गांवों में शिक्षा का व्यापक प्रबंध करें. दस विवेकानंद फेवर्ड द एजुकेशन फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक रिच एंड पुअर, ओल्ड एंड यंग, मेल एंड फीमेल. उन्होंने सभी डायमेंशन सोसाइटी के जितने भी डायमेंशंस हैं उस सभी को टच करने की कोशिश की अपने एजुकेशन के, एजुकेशनल थॉट के थ्रू. उन्होंने कहा कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, यंग हो या ओल्ड हो, या मेल हो या फीमेल हो. ओके, सो इससे कंक्लूजन, इस विवेकानंद जी के फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से जो कंक्लूजन निकल करके आ रही है कि उन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस की बात कही, उन्होंने प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कही, स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात कही, वुमेन के अपलिफ्टमेंट की बात कही है अपने एजुकेशन में, एजुकेशनल थॉट में. और एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन सकता है जब वुमेन और बैकवर्ड मासेस ऑफ द सोसाइटी एजुकेटेड हो. नाउ वी आर हेडिंग फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर जी. तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाले में हम लोग देखेंगे जो आउटलाइनर्स है उनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद उनके जो दार्शनिकता का सिद्धांत है वो देखेंगे, शिक्षा संबंधी उन्होंने क्या अवधारणाएं दी हैं वो सभी हम देखेंगे,
उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का क्या अर्थ बताया है और माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है और माध्यमिक शिक्षा का क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, शिक्षण संस्थान कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन की क्या विधि होनी चाहिए, इन सभी बातों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं शिक्षण संस्थान की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि विश्व भारती अभी भी है और आप लोगों में से कई ने देखा भी होगा, गए भी होंगे वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पहले एक जीवन परिचय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ यूनिवर्सल पर्सनैलिटी, जैसे विवेकानंद जी थे वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी थे। हिज जीनियस वॉज वर्सटाइल, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई क्रिश्चियन कॉन्सेप्शन ऑफ द फादरहुड ऑफ गॉड एंड शेक्सपियर, गोथे एंड वर्ड्सवर्थ। तो वो इन्फ्लुएंस थे क्रिश्चियन कॉन्सेप्शन ऑफ फादरहुड ऑफ गॉड, क्योंकि क्रिश्चियन कॉन्सेप्शन में क्या कहा जाता है, ऑलमाइटी इज द फादर, गॉड इज द फादर। और इन सभी के जो लिटरेचर थे शेक्सपियर, गोथे और वर्ड्सवर्थ, उन सभी के ज्ञाता थे वो। बट द रूट्स ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविज्म एंड इमोशनल मेकअप लाई इन द उपनिषद। तो ये भी वेस्टर्न को जितना जानते थे उतना ही अपने एंशियंट इंडियन हेरिटेज को जान रहे थे। ओके, टैगोर वॉज सो इन द पोएट्री ऑफ कालिदास, जितना उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा उतना ही कालिदास की पोएट्रीज को भी पढ़ा है। लिरिक्स ऑफ वैष्णवास, मिस्टिक पोएम्स ऑफ कबीर एंड रिलीजियस एटमोसफेयर ऑफ ब्रह्म समाज। तो जितना क्रिश्चियन कॉन्सेप्शन ऑफ फादरहुड का ज्ञान था उनको, जितना उन्होंने शेक्सपियर और गोथे और वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था उतना ही लगाव उन्हें कालिदास की कविताओं से था, मिस्टिक पोएम ऑफ कबीर से था, ब्रह्म समाज के रिलीजियस एटमोसफेयर से था। टैगोर इंस्पायर्ड पोएट्री एंड प्रोज बिकम द लिटरली व्हीकल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द फॉलन रेस। समाज का वो तबका जो गिरता जा रहा था या गिरा हुआ था बाय डिफरेंट रीजंस, उनकी पोएट्री ने, उनकी कविताओं ने और उनके प्रोजेस ने एक व्हीकल के जैसे काम किया और उस फॉलन रेस को उठाने में हेल्प किया। टैगोर वॉज वेनरेटेड एज अ सीयर ऑफ इंडियन फ्रीडम। ओके, उन्होंने आह्वान किया हमारे देश के आजादी के लिए, उनकी कविताएं, उनके जो भी लिटरली सोर्स थे वो सभी ने। अपार्ट फ्रॉम हिज पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट्स, हिज एजुकेशनल थॉट्स वेर आल्सो स्टैंडिंग। तो जितना इनका पॉलिटिकल थॉट्स या सोशल थॉट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही एजुकेशनल थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट है और लैंडमार्क है इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। ही ट्राइड टू गिव इंडिया एन एजुकेशनल सिस्टम विच कैन मीट द स्पिरिचुअल एंड नेचुरल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने जो एजुकेशनल सिस्टम की बात कही यहाँ पर भी सिमिलर है, स्वामी विवेकानंद जी के जैसा ही है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन हो और नेचुरल नीड्स जो हो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा वेरिएशन है। इन्होंने कहा कि ऐसा एजुकेशन हो जो ह्यूमन के नेचुरल नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल करें। उनका लाइफ स्पैन 1861 से 1941 तक। नवंबर 1913 में उन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता के साथ साथ कहानी लिखना, उपन्यास लिखना लिखे थे, जैसे शैशव गीत, भानु सिन्हा ठाकुर पद्मावली, प्रभात गीत, कोरियो कयल, रुद्र चंद्रा, चोखेर बाली, गोरा राजश्री इत्यादि शामिल हैं। नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी पर उन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो एक महान देशभक्त थे, महान कलाकार थे, महान दार्शनिक थे, महान शिक्षा शास्त्री थे और कर्मयोगी थे। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी और उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। टैगोर्स लाइफ फिलॉसफी,
ये क्या कहता है. टैगोर एज अ ह्यूमनिस्ट, मानवतावाद, वेदांतिस्ट, वेदों को जानने वाले, इंडिविजुअलिस्ट, आइडियलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट, नेचुरलिस्ट एंड इंटरनेशनलिज्म. तो ये फिलॉसफी है उनकी, और एक एक करके सभी फिलॉसफी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे. तो एज अ ह्यूमनिस्ट उन्होंने क्या फिलॉसफी कही है, उन्होंने कहा है ही प्रीज दैट ह्यूमन ब्रदरहुड हैविंग फेथ इन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही है उन्होंने, उनके भाईचारा हो. ही रिमार्क्ड एंड दैट इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग हिज यूनिवर्स. ये बहुत अच्छी बात है, आप अगर इसे इस पर गौर कीजिएगा तो. ही रिमार्क दैट इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग हिज यूनिवर्स. आज जो देश की दशा है और दिशा है, तो क्योंकि हमारे अंदर से वो सभी ब्रदरहुड और ये सब वाली बातें क्या होती जा रही है, खोती जा रही हैं. तो ईश्वर भी जो है वो इंसानों पर ही डिपेंडेंट है, ताकि उनके द्वारा बनाया गया जो ये यूनिवर्स है वो सही ढंग से कार्य करता रहे, सही ढंग से संरक्षित रहे. एज अ वेदांतिस्ट उनका क्या है कहना, ही हैड अ फर्म बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ वेदा एंड ही बिलीव दैट आई एम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा अस्मी. ओके, एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन मैन एंड मैन. एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है. एज इंडिविजुअलिस्ट उनकी क्या, उनका क्या सोच है, उन्होंने कहा कि ही बिलीव्ड इन गिविंग राइट टाइप ऑफ फ्रीडम टू इंडिविजुअल. सही तरह का फ्रीडम हो, ऐसा फ्रीडम ना हो जैसे अभी वो लखनऊ वाला गर्ल का केस देख रहे हैं. तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी रास्ते पर पीटते चलें. ओके, तो सही तरह की फ्रीडम हर एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए. एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर एक इंसान के पास अपनी एक यूनिक क्वालिटीज हैं. एज एन आइडियलिस्ट उनका क्या कहना था, उनकी क्या सोच थी, व्यक्ति उस अंतिम सत्य के लिए जीता है जो उसे जन्म मरण से मुक्ति दिलाकर ईश्वर से मिला दे. तो हम सभी इसी के लिए जीते रहते हैं, और वो अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु है, और वो साइकिल बार बार चलता ना रहे. ओके, तो ऐसा फेथ हो, ऐसा वैल्यूज हो, ताकि हम इस साइकिल से एग्जिट करें और अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाएं. एज स्पिरिचुअलिस्ट उनका क्या कहना था, ही बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन. उन्होंने कहा कि एवरी इंडिविजुअल जो है वो स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए कोशिश करते रहना चाहिए. एज अ नेचुरलिस्ट ही कंसिडर्ड नेचर एज अ ग्रेट टीचर. उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, और बहुत कुछ सही में सिखाती है. आप कुछ दिनों के जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये सिखा रही है कि हमने कैसे प्रकृति का दोहन किया है. तो नेचर इट्सेल्फ इज अ ग्रेट टीचर. गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ कलर्स एंड रिदम ऑफ नेचर. प्रकृति माता है, और वो एक ईश्वर ही है. वो प्रकृति में सभी जगह क्या है, तो ईश्वर है. टैगोर्स का इंटरनेशनलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती, ही वॉज एन एर्डेंट प्रोफेट ऑफ वर्ल्ड यूनिटी. जैसे विवेकानंद जी वर्ल्ड यूनिटी की बात कर रहे थे, टैगोर जी भी, क्योंकि वो एक रिलीजन से, उन्होंने, विवेकानंद जी ने कहा कि एक ऐसा रिलीजन हो जो पूरे वर्ल्ड को बांध सके, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक ऐसा चीज हो जो पूरे वर्ल्ड को एकजुट करके रख सके. ही बिलीव्ड इन वर्ल्ड ब्रदरहुड, पूरे वर्ल्ड में भाईचारा रहे. अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कही बात. शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है. माध्यमिक शिक्षा का अर्थ उन्होंने अपनी एक पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है. एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, या एक सच्ची शिक्षा वह है जो आपको संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन को सामंजस्य स्थापित करती है, हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है. तो अकॉर्डिंग टू टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू नेचर मोर इफेक्टिवली थ्रू मैन मेड इंस्टीट्यूशन. तो इसीलिए उनकी जो भी यूनिवर्सिटीज आज भी फेमस हैं,
वहाँ बहुत नेचर है, नेचर का लगाव है और नेचर के बीच में है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अपने आप को रिवील करते हैं अपने नेचर में, आपके सराउंडिंग में जो नेचर है उसमें, ना कि मैन मेड इंस्टीट्यूशंस में। सो एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी अंडर नेचुरल सराउंडिंग। इसीलिए किसी भी बच्चे का, और ये बहुत ही मुझे लगता है कि आजकल होना चाहिए ऐसा, नेचुरल सेटिंग्स के अंदर, नेचुरल सराउंडिंग के अंदर जो है वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है, सो दैट ही डेवलप्स लव फॉर ऑल थिंग्स अराउंड हिम। ओके, ताकि जनरेट हो सके बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ सके कि ये पेड़ है तो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा पेड़ है, उसे कटना नहीं चाहिए। तो इट इज स्टिल हैविंग द रिलेवेंस। शिक्षा का उद्देश्य, उन्होंने कहा उनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य है नेचुरल ग्रोथ इन नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, देन यूनिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, जैसा विवेकानंद जी ने कहा, गुड बाय टू द बुक सेंटर्ड एजुकेशन। उनके हिसाब से बुक सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम टू लर्नर, लर्नर को एक फ्रीडम हो, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की बात, टीचिंग प्रैक्टिकल एंड रियल। अगर आप उसे पढ़ा रहे हैं कि कॉटन प्लांट है तो कॉटन प्लांट को दिखाइए जा करके, कहाँ पर कॉटन प्लांट उगता है, उसके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है, किस तरह की मृदा मिट्टी की आवश्यकता है। ओके, एजुकेशन फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, इट मीन्स जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर भी एजुकेशन पहुँचे, ताकि रूरल ग्रामीण परिवेश का क्या हो सके, रिकंस्ट्रक्शन हो सके। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, तो 6 एम्स था। पहला एम, सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन ऐसा हो जो सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करे, फ्रीडम प्रोवाइड करे, कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सोशल डेवलपमेंट हो सके, और मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट में कहा कि टू इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, डाइविंग, क्लाइंबिंग ट्रीज, प्लकिंग फ्लावर्स एसेट्रा, एंड मेंटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिम, इन स्पाइट ऑफ इन कंपैरिजन विथ बुकिश लर्निंग, नोइंग द रियल लिविंग डायरेक्टली इज ट्रू एजुकेशन। बुक में केवल पढ़ा करके बता देना कि दिस इज हार्ट और समथिंग लाइक दैट, अगर आप वहीं बायो लैब में जा करके म्यूजियम स्पेसिमन उसे दिखाते हैं, या नेचर के बीच ले जा करके उस पौधे या जानवर के बारे में अगर आप उसे बताते हैं, तो दैट विल बी द रियल, और दैट विल बी हेल्पिंग इन द मेंटल डेवलपमेंट। देन मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, थर्ड एम जो है वो मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, और मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से कौन कौन सी क्वालिटीज आएगी, तो सेल्फ डिसिप्लिन आएगी, टॉलरेंस, कर्टसी एंड इनर फ्रीडम। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज, चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द ड्रॉइंग आउट ऑफ द लैटेंट फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड, टू हिम चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हिमसेल्फ प्रॉब्लम, हेंस ही अपोज द क्रशिंग ऑफ द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी। अभी जैसे NEP 2020 में बात की जा रही है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में यूनिक है, तो इन स्पाइट ऑफ क्रशिंग देयर इंडिविजुअलिटी वी शुड थिंक अबाउट सच एजुकेशन, और वी शुड प्रोवाइड सच एजुकेशन जिससे उनकी जो एक यूनिक फीचर है उसका बेस्ट हम बाहर ला सकें। फिर उन्होंने इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात कही है अपने एजुकेशनल फिलॉसफी में, उनका जो करिकुलम, उनके हिसाब से जो करिकुलम होना चाहिए एजुकेशन में, तो सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए, लिटरेचर और लैंग्वेज होना चाहिए, मीडियम ऑफ एजुकेशन जो हो मदर टंग हो, और एक ऐसा इंडियन लैंग्वेज हो और एक फॉरेन लैंग्वेज हो जो हमें जोड़ सके। ओके, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए, नेचुरल साइंस में बॉटनी, जुआलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस की पढ़ाई हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी की बात कही, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, एग्रीकल्चर और टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को, आर्ट्स, म्यूजिक और डांस पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, और फिलॉसफी, साइकोलॉजी और रिलीजन की भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो उनका जो करिकुलम था उसमें
ये सभी सब्जेक्ट्स की बात उन्होंने कही। एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए, करिकुलम में एक्टिविटीज़ भी होता है, तो एक्टिविटीज़ में उन्होंने जो सजेशन दिए, उन्होंने कहा कि डांसिंग हो, ड्रामेटिक्स हो, म्यूजिक हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, एक्सकर्शन हो, बच्चों को बाहर ले जाया जाए, एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग हो, जैसे जापान में अभी हम देखते हैं कि वहाँ के स्कूल्स में एग्रीकल्चर और गार्डनिंग भी सिखाया जाता है बच्चों को। देन रीजनल स्टडी, जिस प्रदेश में वो रहते हैं, जहाँ पर वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के रीजन को वो अच्छी तरह से जाने, वैसे उस तरह की प्रोजेक्ट वर्क उन्हें दिया जाए, लेबोरेटरी वर्क करवाया जाए, सोशल सर्विस करवाया जाए, ताकि वो सोसाइटी में जो भी इल थॉट्स हैं, जो भी खराबियां हैं, उस सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ लड़ सकें। उसके बाद उनके करिकुलम में एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस की भी बात कही गई, क्योंकि बच्चे के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को नहीं क्रश किया जाए और वो कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड कर सके, ऐसा एजुकेशन हो। एजुकेशन थ्रू इमोशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आजकल के एज में, अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में, कि अगर एजुकेशन थ्रू इमोशंस हो, थ्रू म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, डांस, ड्रामेटिक्स एंड क्राफ्ट। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है, पर वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करता है या बहुत अच्छा गाना गाता है, तो दैट इज वॉट हिज इमोशन। सो एजुकेशन थ्रू इमोशंस भी हो। देन एजुकेशन थ्रू मदर टंग, उन्होंने कहा मदर टंग में पढ़ाई की जानी चाहिए, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन यहाँ जो अगले फिलोसोफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो वो अगेंस्ट थे इंग्लिश के लिए। उन्होंने कहा हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए, बट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंग्लिश। लेकिन बाकी जो हम लोग देखे, स्वामी विवेकानंद जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने मदर टंग की बात कही, लेकिन वो अगेंस्ट भी नहीं शो किए अपना नेचर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। देन मैनुअल ट्रेनिंग फॉर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फाउंड गॉड इन द लेबरर, द पाथ ब्रेकर एंड द टिलर। तो मैनुअल ट्रेनिंग, ओके, मैन टू मैन ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग जो उनके लाइफ एग्जिस्टेंस में उनको हेल्प कर सके। फिजिकल एंड सोशल साइंस की भी बात उन्होंने कही कि ऐसी करिकुलम में फिजिकल और सोशल साइंस की पढ़ाई हो, ताकि रियल लेगेसी, अपने कल्चरल हेरिटेज को हम आगे ले जा सकें। शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स क्या होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हिसाब से, तो लर्निंग बाय डूइंग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, किस चीज पर जोर दिया, लर्निंग बाय डूइंग। रुचि आधारित विधि, लर्निंग बाय इंटरेस्ट, बच्चे को जिस चीज में रुचि हो उस चीज के थ्रू उसको पढ़ाया जाए। लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब ये नेचुरलिस्टिक थ्योरी के प्रोपाउंडर और कह सकते हैं कि फॉलो करते थे, तो उन्होंने कहा लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर हेविस्कस का फ्लावर पढ़ाना है तो बच्चों को हाथ में हेविस्कस का फ्लावर होना चाहिए, या बच्चे होने चाहिए वहाँ उस गार्डन में जहाँ पर हेविस्कस फ्लावर हो, वो उसे देखें। सो लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात कही है उन्होंने। फ्रीडम टू द चाइल्ड, चाइल्ड के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर को नहीं क्रश किया जाए। लर्निंग बाय प्लेइंग, नेचुरल सराउंडिंग में है, सेटअप में है, तो वो खेल विधि के द्वारा भी सीख सकता है। टीचर्स के लिए जो उन्होंने बात कही कि किस तरह से पढ़ाया जाए, टीचिंग बाय वॉकिंग, उन्होंने कहा द माइंड इन द क्लासरूम डज नॉट रिमेन एक्टिव। आप किसी बच्चे को एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर बैठा करके रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आपने उस बच्चे को पढ़ा दिया, पढ़ा तो दिया पर उसका दिमाग तो एक्टिव नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि वॉकिंग इन, हेंस बाय वॉकिंग द माइंड रिमेन्स एक्टिव अवेक, सो हेंस द चाइल्ड ईजली ग्रास्प एवरीथिंग और थिंग्स। सो टीचिंग बाय वॉकिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशन। ओके, तो उसके लिए वो जो परिवेश होना चाहिए स्कूल का या विद्यालयों का, वो कैसा होना चाहिए, वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर होना चाहिए, तभी हम टीचिंग बाय वॉकिंग शुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वेन यू वॉक योर माइंड रिमेन्स एक्टिव। देन दूसरी जो शिक्षण विधि की बात उन्होंने कही, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर। रियल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, हेंस
question answer method is the effective where the teacher puts the question and asks the students to participate in the discussion. उन्होंने ये बात कही कि discussion और question answer के through अगर पढ़ाया जाए तो एक बच्चे का interest और वो participate करेगा, सीखने के process में वो participate करेगा. और थर्ड एक्टिविटी मेथड, वी ऑल नो दैट एक्टिविटी मेथड, कोई एक एक्टिविटी प्रोवाइड करके और एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं. उन्होंने टीचर के लिए क्या कैसा रोल डिफाइन किया टैगोर जी के फिलॉसफी में, तो टीचर एज अ गाइड, उन्होंने कहा कि टीचर जो है वो गाइड हैं, वो एक ऑब्जर्वर हैं, वो एक प्रोटेक्टर हैं, वो एक ऑर्गेनाइजर हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिम द टीचर शुड एक्ट एज अ गाइड, शुड एक्ट एज एन ऑब्जर्वर, शुड एक्ट एज अ प्रोटेक्टर, शुड एक्ट एज अ ऑर्गेनाइजर. क्योंकि बच्चा तो खुद नेचुरल परिवेश में सीख जाता है, तो टीचर एक ऐसा हो जो उसे गाइड कर सके क्या सीखना है, ऑब्जर्व कर सके कि किस तरह से कौन बच्चे सीख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर सके उन्हें और ऑर्गेनाइज कर सके चीज़ों को ताकि वो सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा मददगारी साबित हों. रोल ऑफ टीचर कैसे डिफाइन किया गया है टैगोर जी के द्वारा, बिलीविंग इन प्योरिटी एंड इन हिज ओन एक्सपीरियंसेस इनोसेंस ऑफ चाइल्ड द टीचर शुड बिहेव विथ हिम ग्रेट लव अफेक्शन एंड सिंपथी. एक बच्चा जो है वो इनोसेंट होता है, तो इसीलिए टीचर ऐसे होने चाहिए जो प्यार अफेक्शन और सहानुभूति के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकें. इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग on book learning, the teacher should provide conducive environment so that to the child so that he engages himself in useful and constructive activities and learn by his own experience. तो जो भी उनके विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय का जो short of concept था, तो कहता था कि एक naturalistic approach के through पढ़ाया जाए, constructive approach के through पढ़ाया जाए. The teacher should always be busy in motivating the creative capacity of the children. Teacher should be busy in motivating the children. Then education can be successfully imparted by understanding childhood and giving oneself totally in love and union with it. आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों से हेट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है. आपको बच्चों को समझना पड़ेगा, उनके चाइल्डहुड को समझना पड़ेगा और प्यार और यूनियन के थ्रू उनको पढ़ाना होगा. कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों और शिक्षक के बीच में, तो स्वभाव तथा शिक्षा के व्यक्तित्व पर एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो जहाँ पर टीचर जो है वो प्यार के माध्यम से अफेक्शन सिंपथी के थ्रू बच्चों को पढ़ाएं, या ना कि डांट फटकार या हमेशा एक सजा देना, उस तरह की एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए. विद्यालय कैसा होना चाहिए, जैसे शांति निकेतन इन दिसंबर 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने एक फेमस शांति निकेतन बनाया, कहाँ, कलकत्ता में, अपनी 5 संतानों के को शिष्य के रूप में रखा. एंड दिस वाज डिजाइन टू प्रोवाइड ट्रेडिशनल आश्रम एंड वेस्टर्न एजुकेशन. शांति निकेतन अगर आप जा करके देखते हैं तो वहां पर दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट आपको दिखेगा, हमारे इंडिया का आश्रम जैसा और वेस्टर्न एजुकेशन के एजुकेशन जैसा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा. सो हिज आइडियल्स वेयर सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ब्यूटी. ओके, वो बहुत ही साधारण रूप से अपना जिंदगी व्यतीत करते थे, पर हाँ नेचर के बीच रहते थे. इन ऑगस्ट 1941 श्री रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मूव फ्रॉम शांति निकेतन आश्रम टू कोलकाता फॉर एन ऑपरेशन. इन द सेम ईयर ही पास्ड अवे एंड इन द सेम हाउस इन विच ही वॉज बॉर्न इन. तो शांति निकेतन को छोड़ करके अगस्त में गए वो और उसी साल उनका डेथ हो गया, और उस घर में हुआ जिस घर में उनका जन्म हुआ था. विश्व भारती की भी स्थापना उन्होंने की 1918 में, और विश्व भारती ही मेड कंपल्सरी द लर्निंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट. विश्व भारती में हैंडीक्राफ्ट की पढ़ाई को उन्होंने कंपलसरी रखा. इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने क्या बात कही, तो H.B. मुखर्जी के हिसाब से टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे. उन्होंने
शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। उन्होंने अपनी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग के लिए जो आदर्शों को सजीव बनाता है, तो बहुत नेचुरल सेटिंग्स के अंदर उनका जो भी कॉलेजेस शांति निकेतन हो या विश्व भारती हो, वो आपको देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी की क्या विचारधाराएं थी एजुकेशन को लेकर के। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टुवर्ड्स एजुकेशन, तो ये जो वर्धा स्कीम या बेसिक शिक्षा नीति, ये गांधी जी के थ्रू ही आई है। तो महात्मा गांधी एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हिज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एट टॉलस्टॉय फार्म एट साबरमती एंड सेवाग्राम आश्रम। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पहले, सबसे पहले अपने बच्चों को, हिज ओन सन एंड द अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एजुकेटिंग हिज ओन सन्स एंड अदर चिल्ड्रन एंड ही ऑक्यूपाइज द प्लेस एज ही ऑक्यूपाइज द ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ अ फादर। ही हेल्प द चिल्ड्रन इन ऑलराउंड डेवलपमेंट, उन बच्चों को के ऑलराउंड डेवलपमेंट में उन्होंने हेल्प किया। ट्रेनिंग ऑफ 3H की बात उन्होंने कही, हेड हार्ट एंड हैंड, ओके, रिप्लेसिंग द 3R। महात्मा गांधी का जो एजुकेशन की फिलॉसफी कहती है, उन्होंने 3H की बात कही और रिप्लेस किसे किया, 3R, रीडिंग, अर्थमेटिक एंड राइटिंग, ओके। और 3H की बात उन्होंने कही, जैसे हेड हार्ट, ऐसा एजुकेशन हो जो हेड हार्ट और हैंड तीनों को कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट में हेल्प करें। ट्रेनिंग ऑफ हार्ट एंड बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर रिसीव्ड हिज फर्स्ट अटेंशन। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो हो ऐसी हो जिससे हार्ट ट्रेन्ड हो, कैरेक्टर बिल्ड हो। सो पहला अटेंशन इन्होंने 2H पर दिया, हार्ट एंड हैंड पर। लर्निंग बाई डूइंग, ओके, वेयर द मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड एज रेंज फ्रॉम 6 to 16। उन्होंने 6 साल से 16 साल के बच्चों के लिए कहा कि अगर वो कुछ करके सीखते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग और लर्निंग। अप्रैल 1935 में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, जो 11 माइल दूर है वर्धा से। वर्धा से 11 माइल्स की दूरी पर उन्होंने 1935 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, वेयर ही कंसीव्ड, और वहीं से वर्धा स्कीम आई, या फिर उनकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो डिराइव होकर के जो आज हम पढ़ रहे हैं वो वहीं से डेवलप। सॉरी, या नाउ आई एम ऑडिबल, नवनीत गौरव जी, एम आई ऑडिबल नाउ, प्लीज रिस्पॉन्ड समवन इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल, कोई एक कंफर्म कीजिए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू अन्नपूर्णा जी। तो उस डिससेटिस्फैक्शन था महात्मा गांधी जी को उस समय में जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसको लेकर के। तो क्या क्या मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर उनको डिससेटिस्फैक्शन था। द देन इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन कट ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। उन्होंने बात कही कि ये जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इंडियंस को कट डाउन कर रहे हैं उनके मेन स्ट्रीम से। उन्होंने कहा कि ऑफ देयर इंडियन ब्लड वेन्स मेड देम टू द पैरासाइट अपॉन अदर्स। इंग्लिश एजुकेशन जो है वो उनको पैरासाइट बना करके रख छोड़ रहा है और उनको मेन स्ट्रीम से कट डाउन कर रहा है। साथ ही साथ उनके अपने फादर और मदर से भी एक सेपरेशन ला रहा है, और अपने ऑक्यूपेशन से। अगर कोई बुनकर समाज का इंसान है और वो अगर इंग्लिश एजुकेशन गेन करता है तो वो अपने बुनकर वाली ऑक्यूपेशन की जो क्वालिटीज़ है, जो स्किल्स है, उसको छोड़ देता है, अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। शहरीकरण का विकास हो रहा था, तो इस तरह से वो उस इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से थोड़े से डिससेटिस्फाइड थे। साथ ही साथ मदर टंग वॉज राइट मीडियम ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा कि राइट मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो मदर टंग होनी चाहिए। एजुकेशन वॉज गिवन इन अ पैसिव वे एट दैट टाइम। ब्रिटिश एजुकेशन जो था वो एक पैसिव वे में एजुकेशन दिया जा रहा था, बच्चे को बस चीज़ें
प्रिपेयर्ड फॉर्म में और उसे परोस देना है और वो उसे एनगल्फ कर लेना है रेटिफिकेशन के थ्रू. सो द चाइल्ड वेयर वॉज मियर अ पैसिव लिसनर एज सम स्मैटरिंग रेडीमेड इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सेट्रा. जो भी नॉलेज है उसको बस पैसिव लिसनर के थ्रू एनगल्फ कर लेना है. He remarked, most of the boys are lost to the parents and to the occupation to which they are born. उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर बच्चे जो English system of education ले रहे थे वो या ले चुके थे वो अपने parents को खो रहे थे या parents अपने बच्चों को खो रहे थे इस तरह से. साथ ही साथ उनका जो by birth उनका जो occupation था जो skills उन्हें थी उस स्किल्स को भी वो खोते जा रहे थे. सो सच एजुकेशन वॉज नाइदर रिस्पॉन्सिव टू द रियलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन नॉर इंस्पायर्ड बाय एनी लाइफ लिविंग और क्रिएटिव आइडियल. तो उस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कोई रियलिस्टिक एलिमेंट नहीं थे, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था. साथ ही साथ एक नया सोशल ऑर्डर डेवलप हो रहा था. हिज ओन कन्विक्शन दैट द न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन सॉलिड पिलर्स ऑफ ट्रुथ नॉन वायलेंस would be evolved by means of education. उन्होंने देश में एक आवश्यकता महसूस की कि एक न्यू ऑर्डर नई सामाजिक व्यवस्था आए जो डिपेंडेंट हो किस पर, तो सच्चाई पर और नॉन वायलेंस पर. These orders would exclude every type of exploitation. और ऐसी जो सामाजिक ऑर्डर होगी, सोशल ऑर्डर होगी, वो एक्सक्लूड करेगी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन को. बाय एजुकेशन ही मीन्ट ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड. उनके हिसाब से एजुकेशन ऐसा हो जो किसी भी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करे, जैसे बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. ओके, एजुकेशन रियली देन व्हाट ही सेड, एजुकेशन नॉट इन पैरोकियल सेंस ऑफ ओनली क्लासरूम, केवल संकीर्ण एक क्लासरूम तक ही लिमिटेड ना हो, क्लासरूम टीचिंग तक ही एजुकेशन लिमिटेड ना हो, एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो. क्योंकि उन्होंने एक बात कही है और उनके बहुत सारे कथन हैं जो ये कहते हैं कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, जन्म से मृत्यु तक हम सीखते हैं. तो टू टुम प्रोसेस. ओके, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस. आपके जन्म से मृत्यु तक ये आप सीखते रहते हैं. महात्मा गांधी के जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन को लेकर के वो हम थोड़ा देख लें. उन्होंने बात कही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 वर्ष की आयु तक के लिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, कास्ट, क्रीड, रेस एसेट्रा पे डिपेंडेंट नहीं हो. और इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन की बात कही उन्होंने, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हो और मैट्रिकुलेशन जो हो वो इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन हो. तो इस तरह से ये थोड़े खिलाफ थे इंग्लिश के लिए, बट स्वामी विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी मदर टंग की बात कर रहे थे, पर इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ नहीं थे. दूसरी जो प्रिंसिपल है महात्मा गांधी जी की एजुकेशन को लेकर के वो है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन. उन्होंने कहा कि इट वाज हिज विश दैट होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू सम हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री. जो भी एजुकेशन हो किसी न किसी क्राफ्ट उसमें इंक्लूडेड हो, क्राफ्ट उसको सिखाया जाए बच्चों को, ताकि ये क्राफ्ट फर्दर ही एडेड दैट द हैंडीक्राफ्ट शुड नॉट बी टॉट मैकेनिकली बट साइंटिफिकली, विच इम्प्लाइज दैट द चाइल्ड शुड नो दैट know the way and wherever of every process, why and everywhere where of every process. तो केवल ये नहीं कि बस बता देना है, उसका mechanical way भी बताना है, उस handicraft का उसका scientific way भी आपको बताना है, उस तरह की पढ़ाई हो, ताकि जो lifelong process में अगर वो उस particular handicraft को अपने पेशे और अपने occupation के form में अगर use करता है तो उसे वो use कर सके, जान सके कि कहाँ से क्या हो रहा है, इसके पीछे साइंटिफिक सिद्धांत क्या है, मैकेनिकल सिद्धांत क्या है, उसका यूजेस क्या है. तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही है उन्होंने. एजुकेशन ऐसा हो जो सेल्फ सफिशिएंट हो. ओके, उन्होंने ऐसी एजुकेशन की बात कही जो सेल्फ सफिशिएंट हो. एक इंसान को क्या बनाए, सेल्फ सफिशिएंट बनाए. ओके, सो
It also enables the child to learn, earn a living after completing his course of education, preparing the child for future life. एक ऐसा education हो जिस education के बाद वो earn कर सके, अपने livelihood को earn कर सके, और इस तरह से बच्चों को future के लिए तैयार किया जाना चाहिए. दूसरी बात उन्होंने कही कि education imparted in itself should be self-supporting to an extent that the productive work of the people, और ये बहुत अच्छी बात कही, ये utilitarian सिद्धांत में भी काम आएगा आपको, कि उन्होंने बात कही कि जो बच्चे हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी सीखते हैं, क्राफ्ट सेंटर जो एजुकेशन है उसे अगर वो क्या कहते हैं फेट लगा करके या किसी मेले में बेचते हैं और उससे जो पैसा कलेक्ट होता है उस पैसा को सैलरी के फॉर्म में टीचर्स को दिया जाए, तो इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट, वो अपना फी भी खुद से पे कर ले और ऐसा एजुकेशन हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके. ओके, देन एम्फेसिस ऑन मदर टंग. उन्होंने मदर टंग पर एम्फेसिस दिया कि पढ़ाई जो हो, एजुकेशन जो हो, वो मदर टंग में दी जानी चाहिए. ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज द लर्निंग was being imparted through the medium of English. उन्होंने कहा कि उस समय में जो शिक्षण व्यवस्था थी, वो शैक्षिक व्यवस्था थी, वो English पर dependent थी और ये सबसे बड़ा handicap education system को बना रहा था. So this affected the development of understanding, precision of thought and clarity of ideas. तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भाषा आपकी अपनी भाषा नहीं है, आपकी मातृभाषा नहीं है, तो आप उसे पहले सीखते हैं और उसकी मास्टरी लेवल तक जाते जाते आपको समय लगता है. पर अगर बच्चे को 4 साल की अवस्था से ही अगर वो आप उसका मदर टंग में ना पढ़ा करके उसे दूसरे टंग में पढ़ाते हैं तो वो उसको समझने में परेशानी होगी, प्रिसिजन ऑफ थॉट में परेशानी होगी, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज में परेशानी होगी. पांचवी जो सिद्धांत है उनकी, कोरिलेशन एज अ मेथड ऑफ टीचिंग. टीचिंग ऐसा हो जो कोरिलेट करके बताए. जैसे अगर बात की जाए, हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम उसे पढ़ा रहे हैं कि कॉटन की खेती होनी चाहिए, तो ज्योग्राफी जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो अगर उसके क्लाइमेटिक कंडीशन में हम ले जाकर के उस बच्चे को दिखा दें कि इस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में कॉटन का प्लांट उगता है, तो वहां से वो बायोलॉजी भी सीख जाएगा कि कॉटन का प्लांट पर्टिकुलर टाइप का होता है, उसका सीड ऐसा होता है, उसका फ्लावर ऐसा होता है. तो कोरिलेशन शुड बी अ मेथड ऑफ टीचिंग. Each and every subject is correlated to each other. Okay? फिर creed of non-violence. Education ऐसा हो जो बच्चों में ये भावना जगाए कि अहिंसा के राह पर चलें. Where the whole atmosphere is redolent with the pure fragrance of ahimsa, boys and girls studying together will have like brothers and sisters in freedom and yet in self-imposed restraints. The student will be bound to the teachers in ties of filial love, mutual respect and mutual trust. तो ऐसी शिक्षा हो जो अहिंसा पर बेस्ड हो, जो बच्चे हैं चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, वो ब्रदरहुड और सिस्टरहुड के फ्रीडम को इम्पोज करें और टीचर्स और बच्चों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल लव. Ideal of citizenship. Gandhi ji wanted to make children right type of citizens, endowed with civic sense, conscious of one's own duties and rights, responsibilities and opportunities. तो उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जो एक ideal citizen prepare करने में help करे. Mahatma Gandhi's aim of education. अब हम कुछ aims के बारे में देख लेंगे. जैसे all round development of personality. पहला aim था बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो 3H पर उन्होंने फोकस किया, दैट इज हेड, हार्ट एंड हैंड, और उन्होंने रिप्लेस करने को कहा 3R को, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. फिर यूटिलिटेरियन एम जो है, अभी जैसे हमने देखा यूटिलिटेरियन, ही एडवोकेटेड सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन. सेल्फ यूटिलिटेरियन एम कहता है सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन. जैसे अगर बच्चा पढ़ते हुए कोई क्राफ्ट सीख रहा है तो उस क्राफ्ट को जब कोई किसी तरह का मेले के का आयोजन हो विद्यालय में, उसे बेच करके जो पैसा आए उस पैसे से टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड की जाए,
और उस तरह का क्राफ्ट उसे आफ्टर टीच आफ्टर लर्निंग और आफ्टर एजुकेशन भी अगर वो हेल्प कर रहा है उसे फॉर मेंटेनिंग हिज लाइवलीहुड, तो उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो। कल्चरल एम ये कह रहा है गांधी जी के एजुकेशन फिलॉसफी का कि गांधी जी अटैच ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन देन टू द लिटरेसी। लिटरेसी से ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट को दिया बिकॉज कल्चर इज अ क्वालिटी ऑफ माइंड विच मे बी रिफ्लेक्टेड इन हिज डेली कंडक्ट। सो कल्चर ऐसा एजुकेशन हो जो उसके इनर कल्चर को, क्योंकि आपका कल्चर आपके सभी लाइफ के डायमेंशंस में आपको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। द वे यू ट्रीट द विजिटर्स, द गेस्ट, द वे यू स्पीक विद द अदर्स, द वे यू बिहेव विद द अदर्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो एजुकेशन ऐसा हो जो आपके कल्चर को कायम रखे, आपको अपने कल्चर से जुदा ना होने दे। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कही उन्होंने, उन्होंने कहा कि कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वर्चूज सच एज करेज, स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन, प्योरिटी ऑफ हार्ट, पर्सनल लाइफ, राइटसनेस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, इनर डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन, सभी जगह हमने देखा इनर डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ वंस इंटरेस्ट टू द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो एक एजुकेशन जो हो ये सभी कैरेक्टर्स को बिल्ड करे और ये सभी कैरेक्टर्स जो है वो सोसाइटी और मैनकाइंड के सर्विस में हेल्प करेगा। प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन ऐसा हो जो बच्चों को सभी तरह के सेटिंग्स में एडजस्ट और अडेप्ट करने में हेल्प कर सके, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो, उनका सोसाइटी में स्टेटस ही क्यों ना हो। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो हो वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो बिकॉज द स्टूडेंट्स और द यंग जनरेशन इज द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सो एक ट्रेनिंग हो सिटीजनशिप की उनके एजुकेशन के टाइम से ही। इंडिविजुअल और सोशल एम भी उनके एजुकेशन फिलॉसफी में है। ये कहता है ही वॉन्टेड अ सोसाइटी इन विच ऑल इंडिविजुअल्स विल हैव टू प्ले देयर पार्ट फॉर द गुड ऑफ द होल विदाउट लूजिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड आइडेंटिटीज। आप इस तरह की सोसाइटी डेवलप हो एजुकेशन के थ्रू जिसमें हम सभी अपना रोल प्ले करें और उस रोल को प्ले करने के बाद हम अपने इंडिविजुअल नेचर को भी भूलें ना, लूज ना करें और अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर और आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके रख सकें। प्रिपरेशन फॉर करिकुलम के लिए उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने करिकुलम में कहा कि करिकुलम में ये सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे बेसिक क्राफ्ट। तो बेसिक क्राफ्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, वीविंग, कार्डबोर्ड, वुड एंड बेसिक मेटल वर्क, टेलरिंग, गार्डनिंग, बिजनेस प्रैक्टिस, बुक कीपिंग, मदर टंग में एजुकेशन हो, एंड ही अपोज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाया जाए जो उन्हें उनके क्राफ्ट में हेल्प कर सके, उनके कम्युनिटी लाइफ में भी हेल्प कर सके। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की पढ़ाई होनी चाहिए। जनरल साइंस में नेचर स्टडी, जुआलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजियोलॉजी और हाइजीन की पढ़ाई हो। ड्राइंग और म्यूजिक ताकि आर्टिस्टिक टैलेंट्स को डेवलप किया जा सके। कंपल्सरी फिजिकल ट्रेनिंग हो, म्यूजिकल ड्रिल हो ताकि बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। डोमेस्टिक साइंस गर्ल्स के लिए हो और आफ्टर फिफ्थ प्लेस ऑफ जनरल साइंस एंड क्राफ्ट, तो स्टैंडर्ड 5 तक गर्ल्स को डोमेस्टिक साइंस की पढ़ाई करवानी चाहिए, उसके बाद उन्हें जनरल साइंस और क्राफ्ट की पढ़ाई करवानी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधीज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कोरिलेशन, जैसा हम लोग अभी देख भी चुके हैं कि कोरिलेट करके पढ़ाना है। ओके, देन लर्निंग बाय डूइंग इन स्पाइट ऑफ जस्ट सिटिंग विद इन द फोर वॉल्स, दे मस्ट लर्न बाय डूइंग, देन लर्निंग बाय लिविंग। ओके, वी शुड पार्टिसिपेट इन द स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी लाइफ एंड दे डू सम सोशल सर्विस और सेल्फ सर्विस एंड दैट वे दे शुड लर्न सर्टेन वर्च्यूज। देन अनदर वेज, लेक्चर, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड शुड बी यूज बाय द टीचर्स फॉर एजुकेटिंग देयर स्टूडेंट्स। उन्होंने एक प्रॉपर टाइम टेबल भी दी है
जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 से 8:45 का समय सुबह का जो हो वो कम्युनिटी प्रेयर के लिए हो, असेंबली, सफाई, इस तरह की डेली रूटीन एक्टिविटीज हो। 8:45 से 10 बजे तक का समय क्राफ्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए हो। 10 से 10:10 तक रेसेस ब्रेक हो। फिर 10:10 से 11:30 तक इंटीग्रेटेड नॉलेज अराइजिंग आउट ऑफ एक्टिविटीज और एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो वो जिस भी नेचुरल परिवेश में है वहाँ से वो इंटीग्रेटेड नॉलेज को गेन करें। फिर 11:30 से 2:30 बजे तक का एक ब्रेक होगा और 2:30 बजे से 3 बजे तक कम्युनिटी स्पिनिंग हो और 3 से 4:20 तक ड्रिल हो, फिजिकल एक्टिविटी, रिव्यू वर्क, एक्सप्रेशनल वर्क ऑफ चिल्ड्रेन, और 4:20 से 5 बजे तक सुपरविजन ऑफ सेल्फ स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन। तो इस तरह का एक रूटीन फॉलो किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का व्यू, जी का व्यू क्या था डिसिप्लिन को लेकर के, तो उन्होंने भी फ्री डिसिप्लिन की बात कही। इन स्पाइट ऑफ इम्पोजिंग द डिसिप्लिन, द इनर डिसिप्लिन शुड बी डेवलप्ड। महात्मा गांधीज व्यू ऑन रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन पे उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है वो इट पेव्स द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, एंड ट्रू रिलीजन मीन्स abiding faith in the absolute values of truth, love, ahimsa and justice. So he recommended instruction